एसेट इन्होंने पास भी नहीं है 2019 का और इनका रिजल्ट है। 50% से ऊपर ऐसे छात्र हैं जिनके पास एस्टेट का डिग्री नहीं है। मैं योग्य छात्र हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं है। अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि 40% आना चाहिए, 42 का आया, मेरा 45 है, नहीं आया है। हम लोग बीपीएससी में भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकला, रिजल्ट के बाद जिस तरीके से जो उसमें त्रुटि हुई है, जो छात्रों का मानना है, उसको लेकर बीपीएससी गेट पे लगातार पिछले 4 दिनों से जो यहाँ पर अभ्यर्थी थे, जो एग्ज़ाम दिए थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी त्रुटि जो हुई है उनके रिजल्ट में या किसी भी तरीके की दिक्कत हुई है तो यहाँ पर आते हैं और हंगामा करते हैं। उनकी क्या मांग है उनसे अब बात करते हैं। आप लोग हंगामा यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे एस्टेट का जो अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें हम सब कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इस छात्र का एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, एस्टेट इन्होंने पास भी नहीं है 2019 का और इनका रिजल्ट है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मतलब 50% से ऊपर ऐसे छात्र हैं जिनके पास एस्टेट का डिग्री नहीं है, वो अयोग्य हैं और उनका रिजल्ट है। और हम सब के पास हर तरह का डिग्री है। मैंने 2011 में BCA किया कंप्लीट, 2014 में MBA किया कंप्लीट, 2019 में एस्टेट कंप्लीट किया और उसके बावजूद मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ और मेरा रिजल्ट नहीं है। पता नहीं किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। मैं योग्य छात्र हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं है। जबकि दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, उसके बावजूद भी इस तरह से इतनी खामियाँ क्यों? मैं अतुल प्रसाद सर से यही कहना चाहता हूँ कि सर, आपके पास टोटल डेटा वेबसाइट पे है, आप एक बार मिलाइए कि किस किस के पास डॉक्यूमेंट सही में एस्टेट का है, एस्टेट के पहले जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसके पास है उसको रखिए, और जिसके पास एस्टेट का डॉक्यूमेंट नहीं है उसको बाहर कीजिए, और बाहर करके फिर सेकंड जो मेरिट लिस्ट दे रहे हैं वो दीजिए, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमको ये सूचना मिले कि जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो भी अभ्यर्थी पास कर चुके हैं क्या? कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के बाहर भी हैं और STET 19 के अंदर जो नोटिफिकेशन है सर, उसका भी उल्लंघन हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 1/8/2019 तक उसकी न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए, उसके पास BTEC का PGDCA के साथ PG का डिग्री या BCA है तो PG का डिग्री या कोई NEET का कोर्स अगर ए रैंक का वो किए हो वो एलिजिबल हैं। उसके बिहाफ पे STET का एग्ज़ाम लिया गया, STET का एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन BSEB ने क्या किया कि वो डिग्री, वो जो डॉक्यूमेंट है STET का सर्टिफिकेट है ऐसे ही बांट दिए, उसमें किसी का डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया कि कौन उसके लिए एलिजिबल है कौन उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बिहाफ पे फिर से BPSC को ये दिया गया कि आप जो है रिक्रूटमेंट निकालिए, उसके बिहाफ पे इन्होंने निकाला और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जिसके पास STET का सर्टिफिकेट है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। उसके बावजूद कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरे जिसका सर्टिफिकेट नहीं है या जो BCA या वो डिग्री नहीं है उसके पास, उसने भी फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बावजूद वो मेरिट के अंदर आ गए। जब ये मामला संज्ञान में आया BPSC को तो उन्होंने कहा कि जिसका भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है उस पर एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी या उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, वो मेरिट लिस्ट के अंदर है। तो ये कैसे है सर? और हम लोग ऐसे हैं जो मिनिमम अर्हता को मतलब प्राप्त कर रहे हैं वो है, हमारे पास STET की सर्टिफिकेट है, जो BTEC है उसकी सर्टिफिकेट है, और उसके बाद हम लोग जो मिनिमम कट ऑफ है उसको भी पार कर रहे हैं। हम लोग लिस्ट के अंदर नहीं है, लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो लिस्ट के अंदर है। सबकी जांच करिए और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाइए और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी करिए, हमारी यही मांग है। और कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग की क्या समस्या है? हम पटना से हैं, सेकेंडरी में 9th-10th के लिए EWS कैंडिडेट हैं, बट मेरा ना 45 OMR सीट में आ रहा, फर्स्ट की आंसर की जारी किए थे उसके हिसाब से 54 आ रहा था और सेकंड आंसर की जारी किए हैं तो उससे 45 आ रहा है। और अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि 40% आना चाहिए जनरल कैटेगरी का, महिलाओं के लिए उन्होंने 32% रखा था और मेरा 32% से अधिक नंबर, बट फिर भी मेरा रिजल्ट में नहीं आया, मेरे से कम वाले लोग का आ गया, 42 का आया, मेरा 45 है, नहीं आया है। और जबकि मतलब हायर सेकेंडरी में अभी 6000 समथिंग सीट खाली है और मेरा सोशल साइंस है और 6000 से समथिंग ज़्यादा सीट खाली है,
बचा हुआ। तो माननीय इनसे अनुरोध है कि ये रिजल्ट को रद्द करके फिर से जारी करें, जिसमें योग अभ्यर्थी हैं, भले ही अगर एक एग्जाम में एक इंटरव्यू और लेना चाहें तो ले लें। हम लोग 2019 से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग के पास मतलब एस्टेट में भी अच्छा मार्क्स है, हम लोग को तो 2019-20 में हो जाना चाहिए था बट नहीं हो पाया। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग बीपीएससी में भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिए और उन्होंने आंसर की मतलब रिजल्ट भी जो जा... आपको क्या लग रहा है, यहाँ धांधली हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि कहीं ना कहीं डिजिटल या एसटीएट जो क्वालिफाइड नहीं है 2023 में अभी करें, उनका रिजल्ट आ गया। अब वो विज्ञापन में दिया था कि 2019 या 2011 में जो है उनको लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। बीटेक को भर लिए, अदर स्टेट को भर लिए, नियोजित शिक्षक 40,000 को भर लिए, तो जो 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं बिहार की महिलाओं या बिहार के पुलिस, वो कहाँ जाएंगे? आपने साफ तौर पर सुना कि जिस तरीके से जो एसटीईटी का नहीं उत्तीर्ण हुए थे उनको भी रिजल्ट जारी किया गया है, और इनको सभी तरीके के सर्टिफिकेट हैं तब भी इनको रिजल्ट नहीं दिया गया। आलोक कुमार, दर्शनी, पटना।